तो आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में। ये छोटी सी वीडियो होगी मेरे ख्याल से, और दोस्तों ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ माजी मसालों से। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे मसाले जो है प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो इन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा आप एक बार मतलब इसका रिव्यू कर देना, क्योंकि मेरे बड़े भैया आप लोग हमारे दूसरे चैनल गढ़भूमि दर्शन पे देखते आए होंगे कि वो कितनी अच्छी कुकिंग करते हैं, कितनी नॉलेज है उनको कुकिंग के बारे में। तो उन्होंने कहा एक बार अपने बड़े भैया से जो है हमारे मसाले दिखा के और हमें रिव्यू देना मतलब। तो वही जो है इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये एक पैकेट उन्होंने मुझे पार्सल के थ्रू भेजा है और ये डाक द्वारा जो है मेरे पास पहुँचा है। तो इसमें जो है इसमें जो भी मसाले हैं वो मैं देखने वाला हूँ कि क्या क्या मसाले जो है भेजे हैं और कैसी इनकी क्वालिटी है, वो मैं अपने बड़े भैया से दिखाता हूँ कि कैसी क्वालिटी है इनकी, क्योंकि मुझे तो सच कहूँ तो उतनी नॉलेज नहीं है कुकिंग के बारे में और मसालों के बारे में। तो देख लेते हैं। और गाइस, अगर ये मसाले अच्छे हुए तो हम लोगों को इनको ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और ये लगा लो कि अपने उत्तराखंड के अपने पहाड़ी मसालों को प्रमोट करना है। तो आप लोग ये देख लेना, क्योंकि अपने उत्तराखंड में बहुत कम लोग हैं खासकर पहाड़ों में जो स्वरोजगार की पहल करते हैं, आगे आते हैं और न खुद अपना स्वरोजगार चलाते हैं बल्कि चार और लोगों को जो है रोजगार देते हैं। तो ऐसे ही माजी मसाले भी जो बनाते हैं उनके पास कई पहाड़ी भाई बंधु दीदियाँ काम कर रही हैं, अपना रोज़गार कर रही हैं, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। तो हमें क्यों ना हम लोग भी जो है इनको सपोर्ट करें। चलो ज़्यादा बात ना करते हुए पहले मैं इनको खोल के देख लेता हूँ कि इनमें क्या क्या मसाले हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिटेल में बता देता हूँ कि क्या क्या मसाले मुझे भेजे हैं, फिर उनकी क्वालिटी कैसी है वो तो मेरे बड़े भैया आपको बताएंगे, है ना। तो दोस्तों, ये है मसालों के पैकेट। इसमें कई तरह के मसाले जो है मुझे दिख रहे हैं। तो मैजिक मसाला हो गया, स्पेशल टी हो गई। आप लोग भी जो है मतलब इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें, अगर आपको शुद्ध प्योर मसाले चाहिए तो आप ज़रूर संपर्क करें। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है मैं इनका लोगो आपको शो कर देता हूँ। तो ये है इनका लोगो, आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। ये है चाय पत्ती, यह है मिक्स मसाला, काली मिर्च पाउडर है, ये चाट पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, ये कसूरी मेथी है, ये है कश्मीरी मिर्च, ये हल्दी पाउडर है, ये है लाल मिर्च पाउडर, ये है किचन किंग, ये हो गया मेथी दाना, ये हो गया गरम मसाला, ये हो गया मैजिक मसाला और ये है हींग पाउडर। और दोस्तों, मैं अगर आपको सच बताऊँ ना, तो जब मैं ये पैकेट खोल रहा था ना, तो इसमें से हींग की खुशबू जो है बाहर आ रही है और डब्बी के बाहर ही जो है इसमें खुशबू आ रही है हींग की। तो इससे पता चल रहा है कि मतलब कितनी अच्छी क्वालिटी इस हींग की होगी, और उम्मीद करूँगा सारे मसालों में अच्छी क्वालिटी होगी। ये सौंफ हो गई, ये अमचूर पाउडर हो गया, और ये हो गया स्पेशल चाय मसाला। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो ये मसाले बना रहे हैं और उन्होंने इतने सारे मसाले जो है मुझे भेजे हैं, और थैंक यू सो मच कि आपने मेरे पे ट्रस्ट किया कि मैं आपके जो मसाले हैं उनका रिव्यू करूँगा और एक जेन्युइन रिव्यू जो है मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मसाले कहाँ पे बनते हैं। तो दोस्तों, ये मसाले पौड़ी गढ़वाल के खंडूसैन नामक जगह पर बनते हैं, जहाँ पर कई लोगों को स्वरोज़गार भी दिया गया है और अपना स्वरोजगार भी वो चला रहे हैं। तो जैसे एवरेस्ट और एमडीएच मसालों की पहचान है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, तो अगर हम लोग दिल से सपोर्ट करने पे आएंगे ना, तो एक दिन माजी मसाले भी, उत्तराखंड के माजी मसाले जो है वो पूरे देश में अपनी पहचान बनाएंगे और पूरे विश्व में जो है एक अलग मुकाम हासिल करेंगे। मैं जब भी किसी के स्वरोजगार को सपोर्ट करता हूँ या आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो हमेशा यही कहता हूँ कि सबसे पहले लोकल के लोग जो है सहयोग करें, उसके बाद अगर लोकल के लोग अच्छा सहयोग करते हैं तो आगे भी जो है अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और लोगों से भी जो है हमें सपोर्ट मिलता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड में लगातार पलायन हो रहा है, और वो पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर शिक्षा
स्वास्थ्य और रोजगार के जो है संसाधन नहीं जुटा पाते लोग। तो अगर कोई रोजगार के संसाधन जुटा रहा है, अपना स्वरोजगार भी कर रहा है, चार लोग और स्वरोजगार दे रहे हैं, तो हमें जो है उनका सहयोग जरूर करना चाहिए। हम लोग देखते हैं आजकल मसालों में कितनी मिलावट आती है और मसालों के साथ तरह तरह की चीज़ें मिलाई जाती है ताकि उनकी क्वांटिटी बढ़ जाए। तो आई होप कि अगर हमारे उत्तराखंड में ये मसाले बन रहे हैं तो हमें जो है इनमें कोई इस तरीके की मिलावट देखने को नहीं मिलेगी। तो ये तो था इन मसालों का इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस किया आपसे। और जो इनका रिव्यू होगा, बड़े भैया कह रहे हैं कि जब जब हम इनको यूज़ करेंगे तभी जो इनका रिव्यू हो पाएगा। तो अगले वीडियो में, आने वाले कुछ वीडियो में हो सकता है मैं इनके बारे में बताऊं कि इन मसालों का कैसा रिस्पॉन्स रहा और कैसी इनकी क्वालिटी रही। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में।